नमस्कार। किसी ने कमाल की बात कही है कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, या फिर अगर आपको जानना है घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, या फिर अगर आपको जानना है सेकंड वाली सुई एक सेकंड में कितना डिग्री एंगल बनाएगी, या फिर जापानी ट्रिक से घड़ी के बारे में समझना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार एक बार फिर सभी का एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम जापानी ट्रिक से घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है घड़ी, क्लॉक। आज का टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। अब देखो घड़ी कितने प्रकार की है। घड़ी दो प्रकार की है, एक है सही घड़ी और एक है मंद गलत घड़ी। एक है गलत घड़ी। अब गलत घड़ी के भी दो भाग हैं, मंद घड़ी और तेज घड़ी। अब मंद घड़ी कौन सी घड़ी है? मान लो अगर आपको सेंटर पे पहुंचना 9 बजे और आप पहुंचे हो 9:05 पर, तो इसका मतलब आपकी घड़ी क्या है? मंदी है, तभी आप लेट हुए हो। दूसरा है तेज घड़ी का एग्जांपल है, 9 बजे पहुंचना था लेकिन आप पहुंच गए 8:55 पर, तो टाइम से पहले पहुंचे हो, तो घड़ी आपकी तेज है। तो ये कौन सी घड़ी है? तेज घड़ी का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मंद और तेज घड़ी के बाद में घड़ी को पढ़े तो शुरुआत करते हैं। अभी देखो घड़ी के अंदर कितने प्रकार की सुइयां होती है? 3 प्रकार की सुइयां है। एक घड़ी बना लेते हैं, एक घड़ी बनाते हैं हम, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तीन बजा देते हैं। अब देखो कितने प्रकार की हमारे पास में 3 प्रकार की सुई होती है। एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है और एक सेकंड वाली सुई होती है। एक सेकंड वाली सुई होती है। अब देखो सबसे पहले बात करें मिनट वाली सुई की, बात करते हैं कौन सी सुई की? मिनट वाली सुई की बात करेंगे। सबसे पहले आती है मिनट वाली सुई। अब देखो मिनट वाली सुई यहां से शुरू करती है, ऐसे घूम के पूरा चक्कर लगा के यहां पर आ जाती है। तो कितनी देर में घूम के आई? 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा रही है। 60 मिनट का मतलब क्या है? एक घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि मिनट वाली सुई एक घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। पूरा चक्कर लगाती है ठीक है। अब एक घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट में पूरा चक्कर कितना? 360 डिग्री हो गया ना, यहां से घूम के आई है तो कितना डिग्री बनाइए? 360 डिग्री बना। और एक मिनट के अंदर कितना डिग्री चलेगी भी? वो 360 भाग में 60 कर दो तो कितना आया? 66 डिग्री। यानी कि एक मिनट वाली सुई कितना डिग्री चलेगी एक मिनट में? मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री चलेगी। उसके बाद में है घंटे वाली सुई की बात करते हैं। किसकी? घंटे वाली सुई की बात करते हैं, आर एंड की बात करते हैं। घंटे वाली सुई अब यहां से देखो 3 बजे है, यहां से चली है, 3 बज के पूरा राउंड लिया तो यहां पर पहुंच गई, तो कितने बज गया? 4 बज गए। और पूरा चक्कर लगाते लगाते पूरा चक्कर लगाया चार सॉरी यहां से घंटे वाली सुई चली है, घंटे वाली सुई यहां से घूमती घूमती ऐसे चली है, चलती चलती पूरा चक्कर लगाया तो 12 घंटे में पूरा चक्कर लगा रही है। कितने घंटे में पूरा चक्कर लगाई? 12 घंटे में पूरा चक्कर है, पूरा चक्कर लगाती है। अब 12 घंटे, अब एक घंटे में 12 घंटे में पूरा चक्कर यानी कि 360 डिग्री चल रही है, एक घंटे में कितना चलेगी? 360 बटे में 12 काटता तो कितना आ गया? 30 डिग्री। यानी कि एक घंटे के अंदर कितना डिग्री चल रही है? वो 30 डिग्री चल रही है। अब देखो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। 12 घंटे यानी कि 12 गुणा में 60, ये कितनी मिनट होगी? इतने मिनट में कितना डिग्री चली है? 360। अब ये हो गया 720 मिनट है,
360 डिग्री चली, और एक मिनट में कितना हो जाएगा भाई, 360 बटे में 720 काटोगे तो कितना गया, हाफ डिग्री। ठीक, तो यानी कि एक घंटे वाली सुई एक मिनट के अंदर एक मिनट में कितना डिग्री चली है, हाफ डिग्री चल पा रही है। ठीक है, ये घंटे वाली सुई थी। अगला है सेकंड वाली सुई। अब कौन सा, सेकंड वाली सुई। अब सेकंड वाली सुई की बात देखो, अब सेकंड वाली सुई यहां से शुरू करती है, घूम फिर के यहां पर आ गई, तो कितने देर में आई भाई, एक मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, एक मिनट में पूरा चक्कर लगाएगी, पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि एक मिनट में कितना डिग्री चली वो, 360। अब कितने मिनट सेकंड की बात करें तो एक मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड यानी कि 360, और एक सेकंड में 360 बटे 60 कर दो तो कितना आया, 6 डिग्री। यानी कि सेकंड वाली सुई है एक सेकंड में कितने डिग्री चली है, 6 डिग्री चल रही है, कितना डिग्री चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। ये तो था मिनट वाली, घंटे वाली और सेकंड वाली सुई, एक मिनट में एक उसमें कितने चलेगी, सारी सारी ये थे। उसके बाद में आगे बढ़ते हम, इसके बाद में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं एंगल से आते हैं, और एंगल हम पूरा का पूरा जापानी ट्रिक से पढ़ेंगे, हम हमारी क्लॉक है पूरी क्लॉक को हम जापानी ट्रिक से पढ़ेंगे। और उससे पहले, एंगल निकालने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक नंबर का काफी बार HSSC पूछ लेती है, और आप हमारे एम्बिशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, आप देखिए, आप देखिए यहां से क्वेश्चन आता है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर मतलब दर्पण शीशे के अंदर। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि शीशे के अंदर देखूं तो क्या टाइमिंग रहेगा, यह आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपके पास में दर्पण का, अब पहले इसको मैं इसी को सोल्व करके दिखाता हूं। अगर मान लो आपके पास में शीशा है, ये दे रखी आपको एक घड़ी दे दी, और आपको किसके अंदर देखनी है, आपको देखनी है शीशे के अंदर देखनी है, तो आपको कैसे दिखाई देगी, देखो ये टाइमिंग है मान लो 3 बजे का ही टाइमिंग है, अगर शीशा नहीं दे रखे तो इधर लगेगा, और शीशे के अंदर आप टाइमिंग देखोगे तो शीशे के अंदर आपको टाइमिंग दिखाई देगा ये। ठीक है, तो कितना बज रहा है आपके करीब करीब, आप देखो 9 बजे वाला टाइमिंग है, 9 बजे बज चुके हैं इसके अंदर, अगर इसमें 3 है तो इसमें 9 बजेंगे। यहां पर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, जापानी ट्रिक लगाएंगे, और जापानी ट्रिक से आंसर क्या रहेगा, जापानी ट्रिक क्या है, अगर आपका दर्पण पूछे तो आप कितने में से घटा दोगे, 12 में से घटा देना। अब 12 का मतलब क्या, 11:60 भी 12 ही होता है। ये ना मिले तो आपको मिल सकता है ये, अगर आपको 12 ना मिला तो आप 24 में से भी घटा सकते हो, और 24 को 23:60 भी लिख सकता हूं, और इसको मैं 59:60 ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि 60 सेकंड की एक मिनट, एक मिनट जुड़ते ही वहां पर 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट का एक घंटा। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ लेता मान लो 4:25 है, शीशे के अंदर देखे 4:25 तो क्या टाइमिंग रहेगा शीशे में, तो आपके पास में देखो कितने में से घटाओगे आप, 12 में से घटा दो, 11:60 4:25 तो कितना आ गया, 7:35 आपको दिखाई देगा शीशे के अंदर देखोगे। एक क्वेश्चन और मान लो आपके पास में ऐसे पूछ सकता है 2:13:47 हो तो क्या रहेगा, आप इसको सिंपली इसमें से घटा दो, चाहे आप 11:59:60 इसमें से घटाओगे तो 2:13:47 घटा दो, कितना हो गया 13:46:09 9:46:13। ये आपके पास में दर्पण का क्वेश्चन आएगा, दर्पण से पूछ लेता है। एक आता है आपके पास में यहां पर फिर वाटर, जल के अंदर, वाटर जल में क्या रहेगा। अब देखो वाटर के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वाटर के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब कैसे पॉसिबल होगी, देखो पानी का है तो 18:30 में से घटा दो, या फिर 6:30 में से घटा देना। 18:30 को आप ये भी लिख सकते हो 18:29:60, इसको 6:29:60 ये भी लिख सकते हो। अब टाइमिंग फिर से देख लेते, वो आपको टाइमिंग दे देगा 4:37 अगर आपके पास में टाइमिंग हो तो बताओ आपका क्या टाइमिंग रहेगा जल के अंदर। तो मैं इसको उठा लेता हूं, 6:30 में से 4:37 घटाने की कोशिश करता हूं। अब ये देखो ये तो मिनट बड़ी रहेगी, तो मैं क्या एक घंटा उठाया यहां पर 60 मिनट होगी, 60 मिनट इसमें जोड़ो तो कितना हो गया 90, और यहां कितना आ गया 5। ठीक है, घटा दो तो कितना, यहां पर आया 3 और यहां पर बच गया 5 और यहां बच गया 1
53 मिनट आपका टाइम रहे। ये कौन सा है? ये है जल के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप नॉर्मली एसएससी पूछता आपसे क्वेश्चन मिरर इमेज और वाटर इमेज से, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हैं, हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर पूछते हैं। अगला है कोण। अगर आपकी कोई डाउट रहती है तो आप हमें वो जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉल मैसेज वगैरह करके आप हमसे डाउट आपकी क्लियर कर सकते हैं। और हमारे चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी, एम्बिशन क्लासेस शिवानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं आपसे अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक रहेगा एंगल निकालने का। क्या निकालना है? एंगल, कोण निकालना है। और देखना कोण हम जापानी ट्रिक से निकालेंगे, एक एक सेकंड के अंदर आपके आंसर बनने वाले हैं। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपकी क्लॉक के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगी। हम आपको जीरो से हीरो बना देंगे रीजनिंग के अंदर, यह हमारा विश्वास है। टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस आपको एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। सपोज करो आपके पास में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि 4:40 का टाइम पूछ लेता है। कितना? 4:40। पहले मैं घड़ी बना देता हूं। ठीक है, टाइमिंग था 4:40। ये एंगल बताना है। अब एंगल दो प्रकार के मिलेंगे हमें यहां पर। एक तो मिलेगा आंतरिक, जिसको इंटरनल एंगल बोल देते हैं। एक मिलता है बाह्य एंगल, बाहरी, ये होता आउटर एंगल। इंटरनल ये है, आउटर ये है। आपके पास में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। सबसे पहले एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 11m/2-30h। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है भाई, इसको याद रख लेना बस, ठीक है। कोण निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। यहां से क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछेगा कि 4:40 पे दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री एंगल है। फिर से बताता हूं, 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री एंगल है। फॉर्मूले पे चलते हैं। 11/2 × मिनट कितनी होगी? 40। माइनस में 30 × घंटे कितना हो गया? 4। इसको इससे काट दो, गुणा करें 220 - 120 कितना आया? 100 डिग्री एंगल। यानी कि इनके बीच में कितना डिग्री एंगल है? 100 डिग्री। और एक्सटर्नल एंगल पूछे तो 360 में से 100 घटा दो, कितना? 260। तो ये कितना आ जाएगा? 260। कई बार आपके पास में एग्जामिनर कर देता है 100 डिग्री एंगल ना देके 260 मिल जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 260 हो जाएगा। ये हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला था। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो आपके पास में टाइमिंग है 2:12 का टाइमिंग दे दिया। कितना टाइमिंग है? 2:12 का। अब देखो यहां से एंगल निकालते हैं। फॉर्मूला क्या? 11/2m - 30h हमारे पास में फॉर्मूला है। अब इससे निकाल के देखते कैसे। 11/2 × 12 - 30 × 2। अब इसको काटो, 66 - 60 कितना डिग्री आ गया? 6 डिग्री एंगल आ गया हमारे यहां से इस फॉर्मूले पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन आपके पास में कैसे आएंगे, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हम निकाल के देख लेते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन निकालेंगे। देखो क्वेश्चन आएगा आपके पास में 4:20 का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन कितना है? 4:20 पे कितना डिग्री एंगल होगा? कितना डिग्री एंगल होगा ये क्वेश्चन बताना है। फॉर्मूला पे चलते हैं हम। फॉर्मूला के हिसाब से किया तो 11/2 (20×30×4) इसको काट दो, कितना गया? 10। 110 - 120 और कितना आया? -10 डिग्री। पहली बात तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, माइनस का 10 और प्लस का 10 में क्या फर्क रहेगा? आंसर आपका 10 डिग्री ही है। आंसर क्या है? 10 डिग्री ही है। प्लस किस केस में आएगा? अगर मान लो वो मिनट वाली सुई, अभी हमारे पास में टाइमिंग क्या है? हमारे पास में टाइमिंग है ये वाला टाइमिंग 4:20, ये होता 4:20 वाला सुई। इस केस में देखो पहले 4:40, ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे निकल गई। अगर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे निकल जाए तो प्लस आंसर रहेगा।
या फिर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे न निकली हो, पीछे है तो क्या रहेगा, माइनस में आंसर आएगा। हालांकि दोनों केसेज में आंसर क्या है, 10 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर कितना आएगा, 10 डिग्री एंगल आएगा। क्वेश्चन क्या है, 4:20 पे। अब देखो एक बार ये रेशियो देखो कितना है, 1:5। अगर आपके पास में 1:5 का क्वेश्चन आ जाए, कितना आ जाए, 1:5 का, तो यहां पर सिंपल सी जापानी ट्रिक लगा देना, मिनट का आधा कर देना। किसका आधा कर दोगे, मिनट का आधा कर दोगे, डिग्री एंगल आ जाएगा बीच में कितना है। 4:20 थे तो 20 का आधा कितना हो गया, 10 बन जाएगा। इसी केस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1:5 का होना चाहिए, 7:35। 7:35 में कितना रहेगा, 35 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 17.5 डिग्री। बिल्कुल आंसर बन रहे हैं कि नहीं आपके, आप देखो आपको पेन की जरूरत नहीं, हम जापानी ट्रिक से पूरी रीजनिंग पढ़ने लग रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेकर लेते हैं, यहां से 1:5 का मान लो 5:25 का टाइमिंग आ जाए, तो मिनट का आधा कितना कर दोगे, मिनट का आधा कितना हो गया यहां पर, 25 का आधा 12.5 डिग्री एंगल होगा। ये तो था 1:5 का केस, किसका केस है, 1:5 का। आगे भी एक दो क्वेश्चन और बढ़ सकते हैं आपसे, मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता वो इसकी जगह 3:30 का क्वेश्चन पूछ ले, कितने का, 3:30 का क्वेश्चन पूछ लेता है, ये घड़ी है और घड़ी में 3:00 ये निकालना आपको, ये कितना डिग्री एंगल होगा। तो देखो 3:30, हम एक बार फॉर्मूला पे इस पे चलते हैं, 11/2 गुणा में 30 माइनस में 30 गुणा में 3 काटो तो कितना हो गया, 15, 165 माइनस में 90, 75 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब हमारी अपर जापानी ट्रिक आती है, रेशियो देखो कितना है, 1:10 का। अगर मान लो 1:10 का हो, कितने का, 1:10 का, तो क्या करोगे, मिनट को 2.5 से गुणा करवा देना, बस मिनट को कितने से गुणा करा दोगे, 2.5 से गुणा करवा दोगे। कितनी मिनट थी, 3:30 थी, 30 को 2.5 से गुणा कराओ, 30 × 60 और 30 का 15 कितना आ गया, 75 आंसर आ गया, बन रहा आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते इधर से, 4:40 हमने पहले प्रूफ किया था, कितना डिग्री एंगल आ रहा था, 100, चेक कर लेते कितने से गुणा कराएंगे, 2.5 से गुणा कराओगे, तो 4 × 80 और 40 × 80 40 × 20 कितना हो गया, 100 डिग्री एंगल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5:50 50 का डबल करो भाई, 50 का डबल 100 और 50 का 25 कितना डिग्री एंगल हो गया, 125 डिग्री एंगल हो गया। ये हम जापानी ट्रिक से आंसर निकाल रहे हैं, आप देखो आपको पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अगर आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली इसके क्वेश्चन कर सकते हो। ये कितना रेशियो था, 1:10 का रेशियो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 2:12 का क्वेश्चन ले लेते हैं, 2:12 यानी सॉरी 2:12 टाइमिंग क्या है, 2:12 फॉर्मूला पे चलते हैं, 11/2 गुणा में 12 माइनस में 30 गुणा में 2 काटा कितना अच्छा है, 66 माइनस में 60 कितना डिग्री आया, 6 डिग्री एंगल आया। अब रेशियो क्या है यहां पर, 1:6। अगर मान लो आपके पास में टाइमिंग 1:6 का दे रखा है तो मिनट का आधा कर देना इस केस में भी, अब 12 का आधा कितना हो गया, 6 डिग्री। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 6:36 है, 6:36 रेशियो कितना है, 1:6 है, तो 36 का आधा कितना हो गया, 18 कितना डिग्री एंगल होगा इनके बीच में, 18 डिग्री एंगल होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4:24 1:6 है, तो ऐसे केस में क्या हो गया, हमने क्या कहा था, मिनट का आधा, तो 24 का आधा कितना हो गया, 12 डिग्री एंगल। आप बना सकते ना, आप देखो कि जापानी ट्रिक से आपके सारे आंसर आने लग रहे हैं, और हम आपके लिए जीरो से हीरो रीजनिंग का बैच लेके आ रहे हैं, प्रॉपरली स्टेप वाइज आपको रीजनिंग करवाई जाएगी एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है, अगला क्वेश्चन इसके अंदर और क्या पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन आ सकता है आपसे पूछ लिया 5:40 पे कितना डिग्री एंगल होगा, 5:40 पे कितना डिग्री एंगल होगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर्मूले पे लगाते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से एक बार आंसर निकालते, 11 गुणा में 40 भाग में 2 माइनस में 30 गुणा में 5 काटो तो कितना गया, 20 या गया 220 माइनस में, ठीक है।
और इसमें से घटाया तो कितना आया, 70 डिग्री एंगल आ जाता है। ये रेशियो कौन सा है, 1:8 है और आंसर कितना आया, 70 डिग्री आंसर आया। अगर मान लो इस केस के अंदर 1:8 आ जाए तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे, मिनट में से घंटे घटा दो और उसकी 2 से गुणा करवा दो। अब 5:40 है, 5 में से घंटे सॉरी 40 में से 5 घटाया 2 से गुणा, 40 में से 5 गया 35 गुणा में 2 कितना आ गया, 70। एक और देख लें, 4:32 का केस देखते हैं, 4:32। अब क्या 32 में से 4 गया और 2 से गुणा, 32 में से 4 गया 28, 28 दुनी 56, तो कितना डिग्री एंगल बनेगा यहां पर, 56 डिग्री एंगल बनेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते, 1:8 का, 1:8 पे आप लिखते सॉरी 8:64 फाल ज्यादा आ जाएगा 56 का, ठीक है 1:8 का हो गया ये 1:8। तो हमने क्या किया था, 56 में से 7 घटा दो और 2 से गुणा करवा दो, ठीक है 56 में से 7 गया तो कितना बना भाई, कितना बचेगा, 49 49 98, इसके बीच में कितना डिग्री एंगल है, 98 डिग्री एंगल है। ये रेशियो कितना है, 1:8। अभी तक कितना किया हमने, 1:5, 1:10, 1:6, 1:8। एक क्वेश्चन और ले लेते यहां से, एक क्वेश्चन देखो दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सात बज के 21 मिनट का टाइमिंग कितना है, 7:21। अब की बार रेशियो कितना है, 1:3। अगर आपके पास में 1:3 आ जाए, 1:3 आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, मिनट का 4 गुणा माइनस मिनट का आधा। अब 21 का 4 गुणा माइनस में 21 का आधा, ठीक कितना होगा, 84 माइनस में ये हो गया आपका, अब इसको घटा दो 84 में से 10.5 घटा दो तो कितना बचाइए, 73.5 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है ये आपका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 7:21 के हिसाब से ही हम एक क्वेश्चन और देख लेते, 1:3 का, 8:24 का देख लेते हैं, कितने का, 8:24 का रेशियो देख लेते हैं। 8:24 का रेशियो का मतलब क्या है कि यहां पर हम क्या करेंगे, 24 की 4 से गुणा माइनस में 24 का आधा, 16 96 माइनस में 12 कर दो तो कितना गया, 84 डिग्री एंगल हो जाएगा इसके, कितना डिग्री आएगा, 84 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये सारा का सारा किससे चल रहा है, जापानी ट्रिक से आपके आंसर चल रहे हैं, ठीक है अब आगे देख लेते थोड़ा सा। इसके बाद में जो आगे जो क्वेश्चन आएगा आपसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। क्वेश्चन ये है 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब हमें यहां पर टाइमिंग दे रखा है, हमें सिर्फ ये बता रहा है कि 5 और 6 के बीच में और एंगल कितना है, 70 डिग्री, टाइमिंग हमें बताना है। अब देखो एक बार फिर, 5 और 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये हमारे पास में है। अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमें पता फॉर्मूला क्या है एंगल निकालने के लिए, एंगल हम थीटा से डिनोट कर देते, 11/2 एम माइनस में 30 एच, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब 70 डिग्री है, 70 डिग्री का मतलब क्या है, प्लस माइनस 70, प्लस का भी 70 हो सकता है और माइनस का भी 70 हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई, हम ये मैंने आपको बताया है 5 और 6 के बीच में बताया था, याद रखना 5 और 6 के बीच में। एक टाइमिंग तो ये भी तो हो सकता है ऐसे 70 डिग्री, एक टाइमिंग ये भी हो सकता है 70 डिग्री, तो इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों केसेस उठाएंगे आप, सॉल्यूशन करके देखते हैं। एक बार तो थीटा कितना -70 और एक बार कितना है +70। अब हमारे पास ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन रहता है हमारे पास में, -70 11/2 मिनट का हमें पता नहीं, घंटे का तो हमें पता है, 5 और 6 के बीच में तो इसका मतलब 5 आएगा, तो यहां पर h कितना हो जाएगा 5 30 गुणा में 5, यहां से कितना हो गया 11/2 m माइनस में 30 गुणा में
5। सोल्व कर लेते हैं, माइनस 70 बराबर में 11 बटे 2 गुणा में मिनट माइनस में 150, 70 बराबर में 11 बटे 2 एम माइनस में 150। यासी इधर गया तो प्लस में हो गया, 150 माइनस 70 भाग में 11 बटे 2 ये हो गया, यह आया यहाँ से हो गया प्लस हो गया, तो कितना हो गया 70 प्लस में 150 बराबर में 11 बटे 2 एम, ये हो गया 220 11 बटे 2 एम। यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया हमारे पास में 80 बराबर में 11 बटे 2 एम, यही आ रहा है ना हमारे पास में। अब इसको देखो, इसको सोल्व करेंगे, इधर से 220 गुणा में 2 ये 11 है, इधर चला गया और बराबर में मिनट काट दिया, तो कितने से आया भाई ये गया 20 से, तो मिनट कितनी आई 40 मिनट, इसके हिसाब से कितने आ रहे हैं 40 मिनट, यानी कि टाइमिंग क्या होगा 5:40, ये वाला टाइमिंग है जब 70 डिग्री होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है, इसको सोल्व कर लेते, ये कितना है 160 बटे 11 बटे एम, 160 को 11 से भाग कराते हैं, 11 एकम 11, 11 चौके 44, तो यानी कि इसके हिसाब से टाइमिंग क्या बनेगा, इसके हिसाब से 5:14 ये वाला टाइमिंग आपके पास में टाइमिंग रहेगा। वो आप ऑप्शन देखना कि 5:40 ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, तो इसका मतलब दोनों केसेस के अंदर कितना डिग्री एंगल बनना है 70 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक, अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, मैसेज करके आपके डाउट जरूर क्लियर करें, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको इस टॉपिक के अंदर बिल्कुल भी डाउट न रहे, ठीक। इसके आगे आगे बढ़ लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ऐसे सेम क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास में है, उसने पूछा 7 और 8 के बीच में, किसके बीच में पूछा है 7 और 8 के बीच में 40 डिग्री एंगल कब बनेगा, 7 और 8 के बीच में कितना डिग्री 40 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है 40 करके सॉल्यूशन कर, 40 ना करके आप 45 डिग्री ले लो, चलो 45 डिग्री से कर लेते हैं 7 और 8 के बीच में। अब ये देखो 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में एक तो ये बन सकता है, एक ये वाला बन सकता है, ये दो केसेस बन रहे हैं 7 और 8 के बीच में, तो फिर वही प्लस माइनस लेना पड़े, माइनस 45 प्लस का 45, फॉर्मूला पे बेस्ड पे सारा फॉर्मूला लगाएंगे, अब यहाँ पर फॉर्मूला है, एक प्लस का 40 हो जाएगा, एक माइनस का 40 हो जाएगा, क्योंकि भाई हमें पता है इसको क्रॉस भी कर रही होगी नहीं भी कर रही होगी, दोनों केसेस के अंदर बन रहे 40 डिग्री। अब 11 बटे 2 एम गुणा माइनस में 30 गुणा में 7, यहाँ पर 11 बटे 2 एम माइनस में 30 गुणा में 7, 40 बराबर में 11 बटे 2 एम माइनस में 210, यह आएगा माइनस 45 11 बटे में 2 एम माइनस में 270, 270 इधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है, तो प्लस का माइनस 11 बटे 2 एम, यहाँ जाके कौन सा जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 210 प्लस में 40 बटा 11 बटे 2 एम, सोल्व कर लेते 250 11 बटे 2 एम, ठीक है। अब इसको वो करोगे तो कितना हो जाएगा, अभी 500 आ गया, अब 500 बटे 11 एम, इधर से इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन 210 का 45 से घटाओगे तो 5 यहाँ से बच गया कितना 06 और 165, ठीक है 11 बटे 2 एम। अब इसको इधर ले गए तो या 2 से गुणा और ये एम इधर 11 इधर आ गया, काटोगे काटने लगे काटोगे तो कितना आया अभी हमारे पास में, ये आ गया 1:15 30 मिनट, मिनट इससे कितने आई है 30 मिनट, इससे 30 मिनट निकल गया। इसको सोल्व करोगे 500 को 11 से, 11 चौके 44, ठीक है 11 पाँचे 55, ठीक है सॉरी ये 40 से नहीं है भाई, ये 45 आएगा, सॉरी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पर, ये 45 से सॉल्यूशन था 45, ये हो गया 55, ये हो गया 10, ठीक। अब देखो यहाँ से आ गया 10, तो कितना है ये आ गया 70, 70 हो गया तो यहाँ पर आया 66 बच गया 4, तो टाइमिंग यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पर टाइमिंग बनेगा 7:30 और यहाँ से टाइमिंग बना आपका 7:46 सही 4:11। अब आपका ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन आपके कौन कौन से है, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है
या आपके पास में टाइमिंग है जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, सेम एज इट इज ही है, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। आपको पता कि एग्जामिनर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक, आपसे थोड़ा सा घुमा देगा। और अब की बार क्वेश्चन क्या पूछा उसने, अब की बार क्वेश्चन ये पूछा है कि तीन और चार कौन कौन सा है, तीन और चार, तीन और चार के बीच में मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, तीन और चार के बीच मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से चार मिनट आगे हो जाए, आगे हो जाए तो कितना डिग्री एंगल होगा, ठीक है, कितना क्या, कितना मिनट आगे हो रही है भाई, वो चार मिनट आगे हो रही है। अब एक बात याद रखना, एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री चली है, छह, तो चार मिनट में कितना चलेगी, 24 डिग्री। आप चार मिनट को 24 डिग्री में कन्वर्ट कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि हमें एंगल दे दिया, कितना डिग्री एंगल दे दिया, 24 डिग्री एंगल दे दिया, और तीन और चार के बीच में निकाल लो। हमें पता एक प्लस का 24 ले लो और एक माइनस का 24 ले लो और सॉल्यूशन निकाल लो, 11/2 m माइनस में 30 गुणा में 3, यहां पर आया 11/2 m माइनस में 30 गुणा में 3, माइनस का 24 बराबर 11/2 m माइनस 90 इधर जाके प्लस का हो जाए, प्लस 90 माइनस 24 11/2 m इधर से है 24 11/2 ये 90 है, माइनस का 90 इधर जाके प्लस का 90 हो गया, प्लस का 90, ठीक है। अब इसको जोड़ो, जोड़ेंगे तो कितना है 114 इधर से भाग में तो गुणा में हो गया 11/m, ठीक है। यहाँ से हमारे मिनट निकल के आ रही है, ये हो गया 228/11 बट ये हो गया हमारे पास में आंसर आ गया। अब इसके इधर से देख लेते हैं, 90 है और 90 में से ये गया तो कितना बचा भाई, ये बच गया 66 बराबर में 11/2 m इधर से ये गया ऊपर 2 और ये हो गया 11, ये हो गया m काटो 6, तो कितना मिनट आ गई, 12 मिनट। यहाँ से कितना आया, 12 मिनट। तो टाइमिंग आपके पास में क्या रह सकता है, टाइमिंग आपके 3:12 आ सकता है। दूसरा टाइमिंग आपके पास में क्या आ सकता है, 2:28 228 को इसको मैं 11 से भाग करवा लेता हूँ, 11 से भाग करो, 11 × 22 8 नहीं गया तो 0, तो ये आ सकता है आपके पास में टाइमिंग है 3:20, ठीक है, 3:20 8 सही 11, ये भी टाइमिंग हो सकता है। आपके पास में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं, यहां तक कोई डाउट है, इसके बाद में है दो टॉपिक और बचे हमारे, 2:03 टॉपिक बच गए हमारे। टॉपिक क्या है, अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दोनों सुइया 0 डिग्री एंगल यानी कि ओवरलैप कर ले, 0 डिग्री एंगल कब बनाएगी। अब एक बात याद रखना, 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है कि दोनों सुइया एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, मिनट वाली घंटे वाली के ऊपर मिनट वाली सुई आ जाएगी, ये 0 डिग्री एंगल का केस है। किसका केस है, 0 डिग्री एंगल का केस है। अब याद रखना 0 डिग्री एंगल की बात करते हैं, कितना 0 डिग्री एंगल। अब देखो 0 डिग्री एंगल है, एक घंटे के अंदर एक बारी होगा, एक घंटे में एक बारी होगा। सिचुएशन थोड़ा सा दिमाग में याद रखना भी, दोनों चीजें ओवरलैप कब करेगी। अब अगर मैं 1 बजे शुरू करता हूं, 1 बजे से शुरू होती है तो जाके 1:05 पे करीब करीब ओवरलैप हो जाएगी। ये देखो 1:05 पे यहां पर आके दोनों सुइया ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। ऐसा ही केस है 2:10 एग्जैक्ट नहीं है, हमें आंसर एग्जैक्ट निकालना है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ऐसे ही 2:10 के ऊपर आप देखोगे करीब करीब दोनों सुइया ओवरलैप कर जाएगी, 3:15 के करीब करीब दोनों सुइया ओवरलैप करेगी। तो एक घंटे में कितनी बार करती, वो एक बार करती, लेकिन एक केस आता है यहाँ पर। केस कौन सा है, केस है 11, 12 और 1, ये वो टाइमिंग है जब कितनी बार ओवरलैप करेगी, एक ही बार ओवरलैप करेगी, यानी कि 2 घंटे में एक बार ही 0 डिग्री एंगल बनाएगी, दोनों सुइया एक दूसरे पर आ जाएगी। अब वो केस देखो, अब ये 12 घंटे में कितनी बार हो गया, 11, और 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 48 बार दोनों क्या हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। एक केस और आता है हमारे यहां पर, एक केस आता है 180 डिग्री का, कितने का, 180 कौन सा केस होता है, ऐसे ये मान लो 12:15 वाला टाइमिंग है,
ठीक है, 1:35 वाला टाइमिंग है। ये टाइमिंग आप देखोगे ओवर 180 डिग्री है, दोनों सुइया आमने सामने हो जाए। अब वो केस क्या है, वो भी एक घंटे में एक ही बार होता है, और 12 घंटे में कितनी बार होगा, 12 घंटे में 11 बार। अब 11 बार क्यों, यहां पर एक केस आता है, केस कौन सा है, टाइमिंग होगा आपके पास में 5, 6 और 7, यहां पर भी दोनों का टाइमिंग देखो कहां पर बन रही है, 6 के ऊपर 180 डिग्री एंगल बनेगा, किसके ऊपर बनेगा, 6 के ऊपर पूरा का पूरा 180 डिग्री एंगल बनेगा। यानी कि अब ये 24 घंटे में कितनी बार होगा, ये भी 22 बार ही, सॉरी 24 घंटे में 22 बार, और ये कितना हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा, यहां से एरर ठीक है, 0 वो है, 24 घंटे में 22 बार आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है। एक केस और आता है यहां पर, एक केस कौन सा आता है, 90 डिग्री एंगल आता है, कौन सा केस आता है, 90 डिग्री एंगल आता है। अब 90 डिग्री देखो, 90 डिग्री दो बार ही बनता है, 90 डिग्री कितनी बार बनता है, दो बार ही बनता है। केस कैसे है ये देखो, अगर मान लो मैं 3 बजे से उसे चेक करता हूँ, 2 बजे चेक करता हूँ, 2 बजे है ये 2 बज चुके हैं, तो 90 डिग्री एक कहाँ बनेगा, एक तो आप देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ठीक है, ऐसे केसेस है आपके पास में जो 90 डिग्री बनाएगा, तो एक घंटे में कितनी बार बनते हैं, एक घंटे में आपके पास में कितनी बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे। अब यहाँ पर एक सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, 2, 3 और 4, यहाँ पर भी एक बार ही बनेगा, और कौन कौन सी है, और है 8, 9 और 10, यहाँ पर भी एक बार बनेगा। यानी कि कहने की बात है कि एक घंटे में कितनी बार बन रहा है, 2 बार, और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा, 2 ये कम हो गए यहाँ से, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब वो टाइमिंग क्या है, कुछ एग्जैक्ट आंसर देखो, फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर आपको 0 डिग्री एंगल निकालना है तो 60/11 गुणा में एच, एच क्या है, वो घंटा है सबसे छोटे वाला। 90 डिग्री के लिए क्या रहेगा, 180 के लिए 60/11 एच प्लस माइनस 6, और इसके लिए रहेगा 60/11 एच प्लस माइनस 3। अब ये प्लस माइनस का भी केस हम सोल्व करेंगे, पहले एक बार ये 0 डिग्री एंगल देख लेते हैं। 0 डिग्री एंगल आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, एच हमेशा यहां पर छोटे वाला रखना, बात याद रखना बस। तो क्या है हमारे पास में, 1 और 2 के बीच में पूछा, तो 1 बजकर कब, 60/11 गुणा में एच, एच कितना है, 1। ठीक है, एच कितना है, 1 है। तो ये 0 डिग्री बनाना, हमें 0 डिग्री बनाने के लिए केस क्या है, अब देखो 1 बजकर 60/11 ये हो गया हमारे पास में एग्जैक्ट टाइमिंग। अब 60/11 को मैं सोल्व करता हूं, 60/11 सोल्व किया, 55:05, यानी कि टाइमिंग क्या है, 1:05:11 वो टाइमिंग है, 1:05 मैंने बताया था पहले भी, करीब करीब 1:05 था उस टाइम पे बोला था, और एग्जैक्ट टाइम क्या है, 1:05:11 ये आपका आंसर है, जब दोनों सुइया कितना बना देगी, 0 डिग्री एंगल बना दी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, 0 डिग्री का केस ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां से। दूसरा क्वेश्चन आप देख के मान के चलो कि हम मान लेते हैं 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में 0 डिग्री एंगल, अब किस किस के बीच, 8 और 9 के बीच, एच हमेशा छोटा रखना, 60/11 गुणा में 8, 8 6 48, तो ये हो गया इतना। अब 480 को 11 से भाग करवा देता हूं, कितने से, 11 से 11 चौके 44, 11 3 33, तो टाइमिंग क्या होगा, 8:43 7/11 वो एग्जैक्ट टाइमिंग है जब दोनों सुइया क्या बना देगी, 0 डिग्री एंगल बना देगी। अब यहां पर 180 डिग्री, अब देखो अगर टाइमिंग आपके पास में 1 से 5 है तो हमेशा प्लस लेना, और 6 से 12 है तो क्या लोगे, माइनस। अब क्वेश्चन देखो क्या है आपसे, क्वेश्चन 2 और 3 के बीच में, क्वेश्चन क्या पूछा, 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, तो एच हमेशा कौन सा रहेगा, छोटे वाला। अब टाइमिंग 1 से 5 के बीच में तो प्लस, यानी कि 60/11 2 प्लस में 6, इसको फिर से गुणा करवाओ, सॉरी प्लस करवाओ, तो 8, 8 6 48, यानी कि 60 की 48 से गुणा कराई, सॉरी 8 से गुणा करा दो, ये 480/11 टाइमिंग क्या हो जाएगा, 2 बजकर, अब इसको सोल्व करो तो सोल्व करने बाद कितना है, ये टाइमिंग हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 90 डिग्री में दोनों केस लेने पड़े, क्योंकि 2 बार में, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। क्वेश्चन है
चार और पांच के बीच में। एक बार प्लस ले लेना, एक बार ही माइनस ले लेंगे। तो पहले प्लस का केस ले लेते हैं, ऐसे 60 बटे 11 चार, एच हमेशा छोटा, माइनस में तीन, और एक होगा 60 बटे 11 चार प्लस में तीन, ये होगा 60 बटे 11 और ये होगा 60 बटे 11 गुणा में सात, सात छके 42 बटे 11 420 को मैं 11 से भाग करता हूँ, 433 ये कितना आया भाई यहाँ से 988 बज गया कितना 2। तो ये टाइमिंग क्या हो जाएगा, 4 बज के इसको करवाया तो 4:05 और 5:11 ये टाइमिंग हो जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 4:38 2:11 वो टाइमिंग हो जाएगा। तब दोनों सुइया कितना बढ़ा देगी, 0 डिग्री एंगल बढ़ा देगी दोनों सुइया, वो टाइमिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लॉक था और आशा करता हूँ आपको सारा समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रहती है, आप हमें फ़ोन मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।